हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। मैं चल बी टेक में, और मैं आज के लिए लाया हूँ आज बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक, जो कि है एक प्रोसेसर के बारे में। सो दोस्तों, तो इसमें हम प्रोसेसर तीन टाइप के लेंगे, जो एक फ्लैगशिप होगा, एक मिड रेंज होगा और एक बजट रेंज स्मार्टफोन के लिए होगा। जो बेस्ट प्रोसेसर होंगे हम उसी उन्हीं को लेंगे। सो दोस्तों, इसमें सबसे पहले आता है हमारे पास स्नैपड्रैगन 450, जो कि 14 नैनोमीटर की टेक्नोलॉजी पर बना है और जो कि 435 का अपग्रेड है, जिसकी पावर एफिशिएंसी 25% ज़्यादा है 435 के कंपेयर में, और अप टू 4 आवर्स इसमें जो है वो बैटरी बैकअप ज़्यादा है। और सिंगल जो कैमरा है उसमें ये 13 मेगापिक्सल तक काम करता है ड्यूअल में, और सिंगल में ये 21 मेगापिक्सल तक काम करता है, जो कि एड्रीनो 506 GPU के साथ आता है। और दोस्तों, इसी के साथ हमारे पास आता है एक प्रोसेसर जो कि बहुत ही अच्छा प्रोसेसर है मिड रेंज का, जो कि है 660 स्नैपड्रैगन 660 प्रीमियम मिड रेंज का है ये, और जो कि 653 का अपग्रेड है, और ये भी 14 नैनोमीटर की टेक्नोलॉजी पे बना है, जो कि जिसकी की चार जो कोर्स है वो 2.2 पे काम करती है, और जो बाकी कोर्स है चार कोर्स वो 1.8 पर काम करती है, जो कि एक ऑक्टा कोर प्रोसेसर है, और जो कि इसमें जीपीयू है, इसकी जीपीयू 512 जीपीयू है, और जिसमें कि LPDDR4 जो रैम है वो अप टू 8 GB तक जा सकती है, जिसकी 1666 मेगाहर्ट्ज़ तक काम करती है। और अगर इसमें हम डुअल कैमरा की बात करें तो इसमें 16 मेगापिक्सल डुअल कैमरा जाता है तक सपोर्ट करता है, और सिंगल कैमरा ये 24 मेगापिक्सल तक काम करता है, जो कि क्विक चार 4.0 पर काम करता है, और मॉडम X12X है। और इसी में स्नैपड्रैगन में ही जो हमारे पास फ्लैगशिप का आता है वो है हमारे पास 845, जो कि बहुत ही बढ़िया प्रोसेसर है, जो कि ऑक्टा कोर है, जिसमें कि क्विक चार्ज 4 को सपोर्ट करता है, और जिसकी क्वाड जो है कोर्स वो पहली चार कोर्स 2.8 पर काम करती है, और जो बाकी चार कोर्स है वो 1.8 पर काम करती है, जिसमें कि क्रायो 385 का यूज़ किया गया है, जो कि 10 नैनोमीटर की टेक्नोलॉजी पे बना है, और 630 GPU का यूज़ हुआ है, जो कि 20X मॉडम को सपोर्ट करता है, और जिसमें 4K वीडियो 60 FPS पर और 720 480 FPS पे काम करती है, और 60 FPS के और जो 60 FPS पर इसमें फ़ोटो खींची जा सकती है। और दोस्तों, इसी में मेरे पास अगला आता है जो कि है हीलियो का। तो दोस्तों, जो हीलियो के बजट रेंज स्मार्टफोन के लिए यूज़ हुआ है रियलमी 1 में, वो P60, जो कि बहुत ही अच्छा स्मार्टफोन था, और जिसमें ARM Cortex 853 का यूज़ हुआ है, जिसमें चार कोर्स है, जो कि 853 को सपोर्ट करती है, और जो बाकी चार कोर्स है वो A73 को सपोर्ट करती है, इसमें कि मैक्सिमम CPU फ्रिक्वेंसी 2 GHz तक है, और जिसमें कि जो CPU बिट्स है वो 64 बिट्स है, जो कि 12 नैनोमीटर की टेक्नोलॉजी पे बना है, और ये भी LPDDR4 को सपोर्ट करती है, और जो कि 8 GB रैम तक जा सकती है मैक्सिमम, और इसमें ड्यूअल 4G का सपोर्ट भी मिलता है। और दोस्तों, जो हमारे पास अगला आता है वो है आईफोन का अपना जो प्रोसेसर है A12 बायोनिक, जो कि एक हेक्सा कोर प्रोसेसर है, जिसकी जो दो कोर्स है वो परफॉर्मेंस के लिए यूज़ होती है, और जो बाकी चार कोर्स है वो उसकी एफिशिएंसी के ऊपर कोर्स यूज़ होती है, जो कि उसकी चार कोर्स का GPU है, जो कि 50% ज़्यादा है उसकी जो पुराना A11 था बायोनिक, उससे ज़्यादा परफॉर्मेंस, इसकी 50% ज़्यादा परफॉर्मेंस
जो कि एक बहुत ही अच्छा प्रोसेसर है। और दोस्तों इसी के साथ आता है हमारा एक प्रोसेस जो कि है किरिन का 980, जिसमें कि दो कोर यूज हुई है, जो कि पहली कोर है वो है 76 A76 की टेक्नोलॉजी पे, और जो दूसरी कोर है वो A55B टेक्नोलॉजी पे, जो कि एक ऑक्टा कोर प्रोसेसर है, जिसकी कि दो जो कोर्स है वो A76 पे आती है, जिसकी मैक्सिमम क्लॉक स्पीड है वो है 2.6 GHz, और जो बाकी दो कोर्स है उसकी है A76 GHz पर, जो कि है 1.92 GHz क्लॉक स्पीड जिसकी है, और जो बाकी चार कोर्स बचती है उसकी वो है A55 पर, जो जिसकी की क्लॉक स्पीड 1.8 GHz है, और ये LPDDR4 को सपोर्ट करती है। तो दोस्तों इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, आप देखते रहे मेरा चैनल बीटेक, मैं आपके लिए ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक्स लाता रहूँगा। चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलना। जय हिंद, जय भारत।